हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डीबीएमएस में टॉप 30 वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपन सोर्स डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन में आप देखेंगे तो माई सीक्वेल भी डीबीएमएस होता है, एसक्यूएल सर्वर भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता है, और ओरेकल। ये चारों क्या है? डीबीएमएस है। ये चारों डीबीएमएस है, डीबीएमएस है। अब इनमें कहा जा रहा कि ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है फ्री, मतलब कंप्लीटली फ्री में कौन सा डीबीएमएस अवेलेबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई एसक्यूएल, जिसको माई सीक्वेल के नाम से जाना जाता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, और ओरेकल है। ये सभी डेटाबेस ऐसा है जो पेड वर्जन और फ्री दोनों अवेलेबल है, तो उसको कम्प्लीटली ओपन सोर्स नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉर्मल फॉर्म इज पार्शियल डिपेंडेंसी रिमोट। कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है? तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म होता है ना, फर्स्ट एन एफ होता है, सेकेंड एन एफ होता है, उसके बाद में थर्ड होता है, उसके बाद में बी सी एन एफ बायस कोड नॉर्मल फॉर्म रहता है, उसके बाद में 4NF हो जाता है, और फिर 5th NF रहता है। तो हम लोग फर्स्ट सेकेंड में तभी होगा जो फर्स्ट में होगा, और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा। यानी कि वह नॉर्मल फॉर्म सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा जो फर्स्ट ऑलरेडी हो और उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो। तो पार्शियल डिपेंडेंसी हम लोग जानते हैं किसमें नहीं होता है, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो होता है ना, वो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने का काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉब्लम कॉज्ड बाई इनडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इज इलिमिनेटेड इन ए विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म। कहा जा रहा है कि इनडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जो होता है ना, उसको इलिमिनेट करता है कौन सा नॉर्मल फॉर्म। ऑप्शन में 3NF है, BCNF है, 4NF है, और 5NF है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 4NF नॉर्मल फॉर्म होता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होता है, ये कहता है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में वही रिलेशन हो सकता है जो ऑलरेडी BCNF में हो, ऑलरेडी BCNF में हो, और उसमें कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं हो। इसका मतलब है कि जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को इलिमिनेट करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा 4NF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट में से डुप्लीकेट रो की बात की जा रहा है कि डुप्लीकेट रो को रिमूव करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं एसक्यूएल में। ऑप्शन में है डिलीट, डिस्टिंक्ट, नॉट एग्जिस्ट और यूनिक। देखिए, यूनिक कोई कीवर्ड नहीं होता है, नॉट एग्जिस्ट भी कोई कीवर्ड नहीं होता है, यहाँ पे डिलीट होता है और डिस्टिंक्ट होता है। तो डिलीट का हम लोग करते हैं यूज किसी भी रो को डिलीट करने के लिए, लेकिन डिस्टिंक्ट का हम लोग यूज करते हैं डुप्लीकेट रो को डिलीट करने के लिए। यानी कि सेम टाइप का रो जो है ना मल्टीपल हो गया है, तो डुप्लीकेट यानी कि एक्स्ट्रा मेमोरी को डेटाबेस में ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए, यानी कि डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंट्रोल्स रिलेशनशिप बिटवीन। यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बात किया जा रहा है। हम लोग पढ़े थे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट में 4 टाइप का होता है, डोमेन इंटीग्रिटी, इंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और आपका की इंटीग्रिटी। तो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है वो फॉरेन की से संबंधित होता है, और 2 टेबल के बीच में एट्रीब्यूट के बीच में जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। यानी कि टेबल का मतलब क्या हो गया? टेबल का मतलब हम लोग जानते हैं रिलेशन। तो 2 रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, रिलेशन मतलब टेबल, और टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है किसके किसके बीच? तो फील्ड के बीच, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स। तो ये आपका जैसे एक टेबल हो गया, तो ये जो कॉलम इसका होता है, ये कॉलम इसका क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। 2 टेबल के बीच के एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है कौन? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जबकि आपका इंटिटी इंटीग्रिटी क्या, उसका क्या रूल होता है? वो कहता है कि कोई भी टेबल में जो
आपका प्राइमरी की है वो नल वैल्यू नहीं रख सकता है, नल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट बिटवीन और अमाउंट, यानी कि जो कह रहा है कि सिंपली फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है रिलेशनशिप में वो बिटवीन और अमाउंट किसके बीच होता है, क्या टेबल के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है, क्या रिलेशन के बीच में होता है, या फिर रो के बीच में होता है, या फिर एट्रीब्यूट्स के बीच में होता है। तो हम लोग रिलेशन ऐसा लिखते हैं, रिलेशन में जो है ना आपके पास जो है ए बी सी डी जो है ना ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, तो ये क्या हो गए सब एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इसके बीच में जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए डिटरमाइन बी सी, यहाँ पे बी डिटरमाइन डी, इस तरह का लिखते हैं। तो ये क्या होता है ना कि एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच नॉर्मल फॉर्म इज दैट एवरी डिटरमिनेंट इन ए टेबल मस्ट बी कैंडिडेट की, कह रहा है कि किस नॉर्मल फॉर्म का यह कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसमें प्रत्येक जो डिटरमिनेंट होता है वो कैंडिडेट की होता है। तो आप बीसीएनएफ का अगर डिफिनेशन ही देखेंगे तो इसका डिफिनेशन स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि एवरी डिटरमिनेंट ऑफ ए टेबल इज ऑलवेज कैंडिडेट की, ये बीसीएनएफ में यानी कि बायस कोड नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स से रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिकवर कमिटेड ट्रांजेक्शन अपडेट इफ आइदर द सिस्टम और द स्टोरेज मीडिया फेल्स, कहा जा रहा है कि इसमें से किसका यह प्रॉपर्टीज होता है कि अगर आपका सिस्टम फेल कर जाए या मीडिया फेल कर जाए और ट्रांजेक्शन को अपडेट करता है जहाँ पे कमिट किया गया है वहाँ पर जो है वहाँ से जो है ना रिकवरी करने का जो है ना एबिलिटी रखता है, ये कौन होता है, क्या आइसोलेशन एटोमिसिटी कंसिस्टेंसी या ड्यूरेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ड्यूरेबिलिटी। एसिड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं, एसिड ए मतलब एटोमिसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन एंड डी मींस ड्यूरेबिलिटी। ये रिकवर करने का या कमिटेड एसिड को रिकवरी करने का पर, जो आपका करेक्टरिस्टिक होता है वो ड्यूरेबिलिटी के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉर्मल फॉर्म सेज Each column type is unique, यानी कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो ये बताता है कि प्रत्येक कॉलम जो है ना यूनिक होना चाहिए, यानी कि उसमें मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन से, यानी कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या बताता है। तो उसके डिफिनेशन को सिंपली यहाँ बता देना, टेबल कैन नॉट हैव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ये तो फोर एनएफ ही कहता है, ये फिफ्थ एनएफ नहीं हो सकता है, फोर एनएफ कहता है मतलब ये नहीं होगा। द कैंडिडेट शुड बी इन थ्री एनएफ एंड ऑल टेबल्स कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, थ्री एनएफ के बाद थोड़े फोर एनएफ के बाद फिफ्थ एनएफ आता है तो ये भी आपका नहीं होगा। द देयर शुड बी नो साइक्लिक डिपेंडेंसी इन ए कंपोजिट की, ये राइट आंसर है आपका सी, सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कहता है कोई भी साइक्लिक डिपेंडेंसी कंपोजिट की में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट ऑल्टर आर कैटेगरी ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं चार हैं, डीडीएल है, उसके बाद में डीएमएल है, उसके बाद स्टेटमेंट है डीसीएल है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसके बाद में लास्ट में टीसीएल है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीडीएल डीएमएल डीसीएल और टीसीएल का जो है ना अलग अलग कमांड दिए गए हैं, डीडीएल में फोर कमांड्स हम लोग पढ़े हैं, डीएमएल में थ्री कमांड पढ़े हैं, डीसीएल में दो कमांड पढ़े हैं और टीसीएल में भी थ्री कमांड्स पढ़े, तो ये सारे कमांड होते हैं। तो ये इस तरह से क्रिएट और अल्टर क्या है, कमांड है। तो कहा जा रहा है कि क्रिएट और अल्टर जो है ना किस स्टेटमेंट के कैटेगरी का कमांड होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी, डीएमएल में ही आता है क्रिएट और अल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स डिफाइंस द स्कीमा ऑफ ईच डेटाबेस होस्टेड इन द डीबीएमएस, कह रहा है कि इसमें से कौन डिफाइन करता है, यहाँ पे सामने में आंसर भी आपको दिखा रहा है कौन सा डिफाइन करता है डेटाबेस के स्कीमा को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डेटाबेस मॉडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी डेटाबेस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशन, यानी कि किसी भी रिलेशन में डिग्री क्या होता है, रिलेशन का मतलब हम जानते हैं टेबल, यानी कि टेबल में अगर डिग्री की बात की जाए तो हम लोग कार्डिनलिटी भी पढ़े थे, डिग्री भी पढ़े थे, ये क्या होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ फॉरेन की नहीं, नंबर ऑफ एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटी ये भी नहीं होगा, तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप विद अदर टेबल नहीं,
इट इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन स्कीमा। यस राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स किसी भी रिलेशन में जितना होंगे उतना ही उसका डिग्री होगा। रिलेशन का मतलब टेबल, तो टेबल में जितने एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स का मतलब कॉलम, जितने कॉलम होंगे उतना ही उसका डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, की इज ए मिनिमल सुपर की, तो यहाँ पे कहते हैं सी एस, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, यानी किसी भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की में कौन सा लेवल हाईएस्ट होता है। तो हम लोग तीन लेवल पढ़े यहाँ पे, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल पढ़े, लेकिन यहाँ पे जो हायरार्की की बात कर रहा है, हायरार्की में डेटा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट लेवल, यानी कि डेटा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका हाईएस्ट लेवल क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर दिया जाएगा डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट ट्रायल इज यूज टू मेक बैकअप कॉपी, यानी कि कह रहा है कि ऑडिट ट्रायल का, ऑडिट का नाम आप लोग सुने होंगे कि ऑडिट हो रहा है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो ऑडिट का मतलब क्या होता है, अगर ट्रायल किया जा रहा है तो यूज टू मेक बैकअप कॉपी, नहीं, द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए फाइल, यस द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए फाइल, इसको हम कहते हैं ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टेंट्स ए कम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट अफेक्टेड द कॉन्टेंट्स ऑफ डेटाबेस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका डेटाबेस कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, तो जितने भी इंफॉर्मेशन एक्टिविटी का होंगे, एक्टिविटी का जो भी रिकॉर्ड होंगे वो किसके पास सभी स्टोर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिपोर्ट राइटर नहीं, क्वेरी लैंग्वेज नहीं, डेटा मैनिपुलेशन ये तो स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजेक्शन लॉग, यानी कि अगर डेटाबेस कुछ समय के लिए आपका अफेक्टेड होता है तो जो भी प्रीवियस जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है एक्टिविटी का वो सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है, तो ट्रांजेक्शन लॉग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ER मॉडल इज यूज इन विच प्लेस, यानी कि ER मॉडल किस प्लेस में यूज करते हैं, क्या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, स्कीमा रिफाइनमेंट में, या फिजिकल रिफाइनमेंट में, या एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी में, इन सभी में नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं कहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में ER मॉडल को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड दैट अलाउज यूजर टू चेंज मल्टीपल एक्टिविटी, यानी कि मल्टीपल फील्ड्स, कौन सा कमांड है जो मल्टीपल फील्ड्स को जो है ना चेंज करने के लिए अलाउ करता है, तो चेंज से ये मल्टीपल नहीं करते हैं, मॉडिफाई, यहाँ पे मॉडिफाई से जो है ना मल्टीपल फील्ड को जो है ना चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेस पाथ इज प्रोवाइडेड बाई, एक्सेस पाथ किसके द्वारा प्रोवाइड किया रहा है, कि फाइल की, फिजिकल रिपोर्ट की, बोथ, या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपको गिव है ना, इसका राइट आंसर लगा ए, फाइल की के द्वारा जो है ना एक्सेस पाथ प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, कौन सा लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे तीन लैंग्वेज दिया गया है, DCL, DML और DDL, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा को हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा को मेटा डेटा के नाम से जाना जाता है, यानी कि डेटा के अंदर डेटा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा डी, डेटा, मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा एब्स्ट्रैक्शन उस लेवल को डिफाइन करता है कि एक्चुअल में डेटा कहाँ पे है, तो एक्चुअल में डेटा कहाँ पे है ये कौन बताता है, तो आपका फिजिकल लेवल होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। टू विच ऑफ द फ्लोइंग द टर्म डीबीए रेफर्स, यानी कि कह रहा है कि डीबीए का मतलब क्या होता है, सिंपली कह रहा है इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, तो डेटा बैंक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन किसका फुल फॉर्म होता है, डीबीए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डेटा रेफर्स टू, कह रहा है कि DBMS में डेटा अगर कोई टर्म मिलता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन, नो, रो फैक्ट एंड फिगर्स, यस रो फैक्ट एंड फिगर्स को हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे DBMS में।
टर्म डीएफडी स्टैंड फॉर, यानी कि डीएफडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो डेटा फाइल नहीं होगा, डेटा फाइल डायग्राम नहीं होगा, डेटा फ्लो डायग्राम भी नहीं होगा, यानी कि डेटा फ्लो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डेटा फ्लो डायग्राम होगा। डेटा फ्लो डायग्राम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। डीएफडी का फुल फॉर्म डेटा फ्लो डायग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ओडीबीसी स्टैंड फॉर, ओडीबीसी मतलब कि ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो ओ मीन्स ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे ओरल नहीं होगा, ओरेकल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो सिंपली आपको मिल जाएगा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसका फुल फॉर्म होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस को आप व्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किस लेवल पे, क्या वन लेवल पे, टू लेवल पे, थ्री लेवल पे। हम लोग जानते हैं आर्किटेक्चर तीन होता है, वन लेवल, टू लेवल एंड थ्री लेवल, मतलब कि किसी भी डेटाबेस को हम लोग थ्री लेवल पर व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एक्सेप्ट, कह जा रहा है कि फ्लोइंग जो है ना वो डेटाबेस का कॉम्पोनेंट होता है, एक को छोड़ करके है, तो यूजर डेटा हो सकता है, क्योंकि यूजर का डेटा डेटाबेस में होता है, मेटा डेटा डेटा के बारे में बताता है, डेटा अबाउट डेटा होता है, रिपोर्ट्स नहीं होता है और इंडेक्स भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कौन नहीं होता है, एक्सेप्ट कौन नहीं होता है, तो रिपोर्ट यहाँ पे नहीं होगा डेटाबेस का कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, कौन डेटाबेस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बेस टेबल एग्जिस्ट करता है, इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, व्यू क्या होता है, व्यू होता है लॉजिकल, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लॉजिकल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन देखिए यहाँ पे सेट डिफरेंस होता है, यूनियन होता है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो ये फाइनली रॉन्ग हो गया, यहाँ पे रीनेम नहीं होता है, यूनियन होता है, सेट डिफरेंस होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, कार्टेजियन होता है, सेट डिफरेंस भी होता है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, और लास्ट में कार्टेजियन प्रोडक्ट यूनियन और सेट डिफरेंस सभी क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है।